नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इस चैनल में पोषण ट्रैकर के रिलेटेड और ICDS के रिलेटेड जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो देते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जो फेब मंथ, जो फरवरी महीना है वो ख़त्म हो गया है, अब मार्च महीना शुरू हो गया है और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 5 मार्च तक कुछ एक जो असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट करनी है। वो इस प्रकार है। नंबर एक जो बात है वो है कि इन्होंने सभी ने आप आंगनवाड़ी वर्कर्स या उनके जो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करेंगी कि जो MPR कंपाइल करके सुपरवाइजर्स को देंगी और वो जो MPR है वो WCD पोर्टल है उस पर चढ़ानी है। तो इसमें बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स का रहता है कि कितने दिन फंक्शनल डेज लिखना है। तो आपको पता ही है कि जो फरवरी महीने में 4 संडेज थे, 4 रविवार थे और एक 18 फरवरी को शिवरात्रि की या शबे महराज की छुट्टी थी, तो वो 5 हो गए। उसके बाद एक जो थी वो 5 फरवरी को गुरु रविदास जी बर्थडे जो जम्मू प्रोविंस के लिए था और 24 फरवरी को फ्राइडे फॉलोइंग शबे महराज जो कश्मीर प्रोविंस के लिए था। इस प्रकार एक और छुट्टी को हम ऐड कर लें तो टोटल जो हॉलीडेज थी फरवरी मंथ में, टोटल जो छुट्टियां थी वो 6 थी। तो इसलिए आपको पता ही है कि जो फरवरी महीना है वो 28 दिनों का होता है, तो 28 में से 6 हम माइनस करेंगे तो टोटल जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज आ जाएंगे वो हमारे लिए 22 होंगे, 22 डेज होंगे। इसलिए WCD पोर्टल में जो आपने MPR चढ़ानी है वो उसमें जो नंबर ऑफ फंक्शनल डेज लिखेंगे वो 22 लिखेंगे, 22 लिखेंगे। तो जी एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ध्यान रखें कि जो MPR आप WCD पोर्टल में चढ़ाने के लिए प्रिपेयर करेंगे या WCD पोर्टल पे चढ़ाएंगे वो आपने जो बेनिफिशरीज हैं वो पोषण ट्रैकर से ही उठाने हैं। कई बार आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करती हैं कि पिछले महीने की उनके पास MPR पड़ी होती है वो उसी को ही दोबारा से WCD में चढ़ा देती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो WCD पोर्टल और पोषण ट्रैकर में जो बेनिफिशरीज हैं वो वेरी करते हैं, तो उससे हमें बड़ी डांट पड़ती है। हायर जो ऑफिसर्स हैं उनसे बड़ी डांट पड़ती है कि जो डाटा है WCD और पोषण ट्रैकर में क्यों वेरी कर रहा है, ये क्यों डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग क्यों आ रहा है। तो आप सभी से आंगनवाड़ी वर्कर से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी WCD पोर्टल में MPR चढ़ाएं या MPR प्रिपेयर करें तो वो क्या करें कि जो पोषण ट्रैकर में जो भी डाटा है उसी को उठा के जो MPR में भर दें। तो नंबर जो दूसरी बात है वो है कि आपने क्या करना है कि पोषण ट्रैकर में हाइट एंड वेट, मतलब कि जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो बच्चों की करनी है। और ग्रोथ मॉनिटरिंग किन किन की करनी है, वो 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों की करनी है। तो उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर का भी जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब होता है जो हाइट वेट आपने करके पोषण ट्रैकर पे चढ़ाना है। तो इसमें आपको पता ही है कि जब जो चिल्ड्रन 6 मंथ्स टू 3 ईयर या 3 टू 6 ईयर जब हम क्लिक करेंगे आगे जी आप लोग करते ही हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है उतनी। तो आगे जो 3 डॉट्स हैं जे हमने थर्ड में ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाना है और हाइट वेट चढ़ाना है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनका हाइट वेट बड़ी कम बड़ी वर्कर्स चढ़ाती हैं, तो उन्हें चाहिए कि उनका भी हाइट वेट वगैरह जो है उनको बुला के हाइट वेट करके वो चढ़ा दे। फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनके लिए हम ग्रोथ मॉनिटरिंग में नहीं जाते हैं, आगे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आएगा जो थर्ड है ऐड ग्रोथ है न्यूट्रिशनल डिटेल, ऊपर है अपडेट प्रोफाइल, फिर है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, थर्ड आता है ऐड ग्रोथ है न्यूट्रिशनल डिटेल्स। तो जब हेल्थ ट्रैकिंग करेंगे तो हेल्थ ट्रैकिंग हाइट और वेट जहाँ पे आ जाएगा, हाइट वेट और हीमोग्लोबिन, जी आपने तीनों चीज़ें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं मतलब जो गर्भवती महिलाएँ हैं जहाँ लैक्टेटिंग मदर्स दात्री महिलाएँ हैं उनका चढ़ा देना है, ये दो काम होगे। और जो तीसरा काम करना है वो वही कि जो टेक होम राशन आपने चढ़ाना है। टेक होम आपको पता ही है कि जो टेक होम राशन है वो प्रेग्नेंट वीमेन मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं और चिल्ड्रन 6 महीने से 3 साल तक जो बच्चे हैं उनका THR में ही चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको जो बेशक कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसे ही बोलती हैं कि कुक्ड मील जो है उनको, जैसे 6 महीने से 3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे हैं
वो आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं और उनको वो खाना बना कर देती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पोषण ट्रैकर में ऐसा उनके लिए हार्ड कुक्ड मील का यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है, इसीलिए उनको भी हम जो 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे हैं उनको भी हम THR में ही चढ़ाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि जो THR है उसमें भी जो 22 दिन ही फंक्शनल है, तो इसमें एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल में ही जाते हैं, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन में जाएंगे। तो जैसे जनवरी मंथ के 25 दिन थे तो यहाँ फरवरी मंथ के 22 दिन होने चाहिए। जे एक दो मैसेज वगैरह आए थे कि जो THR है जे किस महीने का चढ़ेगा, आप जो फरवरी मंथ में THR चढ़ा रहे थे वो जनवरी महीने का THR था, और अब जो मार्च मंथ में चढ़ाएंगे THR वो फरवरी महीने का था। तो मतलब जो फरवरी महीने में नंबर ऑफ फंक्शनल डेज जो हैं वो 22 हैं, इसलिए मार्च मंथ में आपने जो THR चढ़ाना है वो फरवरी महीने का होगा और आपने वहाँ 22 दिन ही लिखना है। ये तीन बातें आ गई। उसके बाद चौथा आपने ये ध्यान रखना है कि जो होम विजिट हैं वो आपने 5 तारीख तक की क्या, आपने डेली बेसिस पे ही देखना है कि कोई होम विजिट होगा, आपने इमीडिएटली होम विजिट करके तो जिस टाइप का बेनिफिशरी होगा, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है, जहाँ कहीं बर्थ होता है, या फिर जो बच्चे हैं जो 3 to 6 ईयर हैं, 6 months to 3 ईयर हैं, आपने वहाँ जाके जो भी आपका टॉपिक होगा वो पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है, और आते ही जो होम विजिट जहाँ पे होम विजिट पे क्लिक करके अगर जो ड्यू होगा उसको क्लिक करना है और उसको अपडेट कर देना है। तो ये जो 4 असाइनमेंट्स हैं हमारे जो DPO सर हैं उनकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो 4 असाइनमेंट है 5 मार्च से पहले पहले सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो कंप्लीट कर दें। इवन हमारे DPO सर ही नहीं, सभी जितनी भी हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स थ्रू आउट आवर कंट्री, जितनी भी हमारे इंडिया में जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो 5 मार्च तक ये जो असाइनमेंट्स हैं वो ज़रूर कम्प्लीट कर दें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।